मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय कमलनाथ जी का अनुसरण करते हुए और 28 विधानसभा चुनावों में लाभ लेने की दृष्टि से कोरी घोषणा कर दी गई थी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कि मध्य प्रदेश के स्थानीय युवाओं को 100% आरक्षण भी देंगे और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को अनिवार्य करेंगे। आज मध्य प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक के विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन आता है और उसमें सेंटर्स बनाए जाते हैं 12 जगहों में मध्य प्रदेश के बाहर। ये बात इस बात को चिन्हित करती है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में झूठा वादा किया था, वादा खिलाफी की थी। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हम मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी जल्द हस्तक्षेप करके इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का काम करें और अपने वादे को निभाने का कार्य करें। थैंक यू।